68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस की हुई धाकड़ जीत, जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी हां, आपको पता चले कि ये खबर काफी दिन पुराना है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बताया चले कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही के दिनों में विधानसभा चुनाव हुआ था, जहां पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत करते हुए भाजपा को धूल जटाया था। बताया चले कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का राज बदल गया है। यहां 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज बरकरार रहा। भाजपा चुनाव हार गई, जबकि कांग्रेस सरकार में आने में कामयाब हो गई है। कांग्रेस को 68 में से 40 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि भाजपा केवल 25 सीटों पर ही सिमट गई है। 3 निर्दलीय चुनाव भी जीते हैं, हालांकि भाजपा की 1% से भी कम मतों के अंतर से हार हुई है। कांग्रेस को 43.90% तो भाजपा को 43% वोट पड़े। 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए, केवल 2 मंत्री सुखराम चौधरी और विक्रम सिंह जीत पाए हैं। एक अन्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर ने उनकी परंपरागत सीट गंवा दी। गुरुवार को सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना देर रात तक चली। शुरुआती रुझानों में जहां भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहने से नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, तो वहीं दोपहर बाद कांग्रेस ने अचानक बढ़त बनानी शुरू कर दी। राज्य में 1990 के बाद कोई भी सरकार लगातार रिपीट नहीं हो पाई है, यानी कांग्रेस के बाद भाजपा और भाजपा के बाद कांग्रेस की सरकार बनाने का क्रम यहां जारी रहा है। भाजपा यहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर 5 साल बाद सरकार बदलने के इस रिवाज को खत्म करने के नारे के साथ चुनाव लड़ी, जबकि कांग्रेस ने रिवाज नहीं राज बदलने का नारा दिया था। बताया चले कि जिस तरीके से 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत करते हुए भाजपा को धूल चटाया, जिससे तो यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में कांग्रेस और भी राज्यों में प्रदर्शन अच्छा करने वाली है और वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।